न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। 2 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे सीएम योगी, करेंगे विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। मंडलायुक्त अनिल कुमार का हुआ तबादला, बने आगरा के नए कमिश्नर। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद, डीएम ने कहा स्थिति नियंत्रण में, कहीं नहीं है कोई खतरा। 1 सितंबर को गोरखपुर आएंगे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का शुभारंभ। पार्षद पर उचित कार्यवाही ना होने पर पीड़ित मेठ के समर्थन में आए निर्माण विभाग के कर्मचारी, किया कार्य बहिष्कार। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुए व्यापार बंधुओं की मासिक समीक्षा बैठक, कहा व्यापारियों के समस्याओं को प्रमुखता के आधार पर किया जाए निस्तारण। गोरखपुर विश्वविद्यालय के 9 नियुक्त कुल सचिव सुरेश चंद्र शर्मा ने संभाला कार्यभार, कुलपति शिक्षक और कर्मचारियों ने दी बधाइयां, कहा पठन पाठन को सुदृढ़ करने के लिए हर संभव करेंगे प्रयास। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों की आयोजित हुई बैठक, आगामी रणनीति पर किया गया मंथन। छात्र नेता एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय रविंद्र सिंह की 39वीं पुण्यतिथि पर दी गई उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। अपर जिलाधिकारी नगर में किया प्रतिबंधित पॉलिथीन के प्रयोग को रोकने के लिए किए जा रहे कार्यवाही की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर दूसरे दिन भी उत्तर प्रदेश कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच ने काली पट्टी बांध कर किया विरोध, आंदोलन और उग्र करने की दी धमकी। भाजपा महिला मोर्चा की बैठक हुई संपन्न, क्षेत्र और जिले के पदाधिकारियों के गठन और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर किया गया विचार विमर्श। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किए जाने को लेकर नरमू ने नई पेंशन स्कीम का निकाला प्रतीकात्मक शव यात्रा। और छात्रवृत्ति वितरण और समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रवासों की सुदृढ़ व्यवस्था किए जाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने विकास भवन में दिया धरना, समाज कल्याण अधिकारी को सौंपा मांग संबंधित ज्ञापन।